ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम कृष्णाय नमः। बहुला चौथ के व्रत की कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बहुला चौथ के दिन व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन और संतान सुख में वृद्धि होती है। बहुला चौथ को भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत में शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए अब इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तब सभी देवी देवताओं ने उनकी लीला को देखने के लिए गोप और गोपियों का रूप धारण किया था। उसी समय माता कामधेनु ने अपने मन में ये विचार किया कि श्री कृष्ण जी की सेवा करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो। यह सोचकर कामधेनु गाय ने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाई और वो नंद बाबा की गौशाला में जाकर रहने लगी। वह अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुला से बहुत प्रेम था। एक दिन श्री कृष्ण भगवान के मन में ये विचार आया कि क्यों ना बहुला की परीक्षा ली जाए। जब बहुला खेत में घास चर रही थी, तब श्री कृष्ण भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। शेर को अपने सामने देखकर बहुला बहुत घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह बोली कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। सिंह की बात सुनकर बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और कहा कि मैं जाकर वापस जरूर आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी ने उसे जाने दिया। फिर बहुला ने गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और सिंह के पास वापस आ गई। उसकी इस सत्य निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को अपने असली रूप के दर्शन दिए और कहा कि हे बहुला, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो। आज से गौ माता के रूप में भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे धन और सुख की प्राप्ति होगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब हम बताते हैं कि इस व्रत की क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता और शेर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। श्री गणेश जी और माता पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। इस दिन गेहूं और चावल से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है और गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। चंद्रमा को लोटे में जल और कच्चा दूध सुपारी डालकर अर्घ देते हैं। इस दिन सिर्फ फलाहार करते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से इस दिन बहुला चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान कृष्ण जी की उस पर असीम कृपा होती है। बोलो कृष्णाय नमः, ओम बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।